एडवर्टाइज इंडिया जो है वो पटना में है, हमने 2020 में शुरू किया था। पटना में हमारे अभी 5 ब्रांचेज हैं बेसिकली, कंकड़बाग में, बोरिंग रोड में 2 ब्रांचेज हैं, एक बोरिंग रोड में और एक बोरिंग कैनाल रोड में, और एक हमारा सेंटर गोला रोड के बिल्कुल पास में है, और एक सेंटर जो है वो सगुना मोड़ के पास में है। और जब एडवर्टाइज इंडिया की शुरुआत हुई थी तो उस समय कोरोना का टाइम था, तो हमने इसको शुरू किया था एज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स करके एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म की बात करें, और अभी भी वैसे ही चल रहा है। अभी हमारे पास से 2000 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, जो पढ़ाई कर रहे हैं। हमने लास्ट 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं, दोनों इंजीनियरिंग मेडिकल की बात करें। साथ ही साथ अभी हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि नीट के लिए स्पेशल फोकस करके एक इंस्टीट्यूट है, शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट, तो उनके साथ हमने ज्वाइन करके शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट को एडवर्टाइज में शामिल करके और नीट के लिए स्पेशल फोकस्ड बैच चलाए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमने लास्ट 2 साल में पटना में किया है। पटना के पहले हम दिल्ली में हैं, पुणे में थे, जहां हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चला रहे थे। अभी हमने और भी एक्सपेंड भी किया है बिहार के अंदर, एक सेंटर मुजफ्फरपुर में स्टार्ट किया है और जमशेदपुर में एक सेंटर स्टार्ट किया है। सर इतना भीड़ है कोचिंग का सर, जी इस भीड़ में कैसे इसको आगे लेकर चलें? देखिए कोचिंग की भीड़ है, लेकिन सीरियस लोगों की भीड़ हमेशा कम होती है। जैसे हम अगर जेई इंजीनियरिंग या मेडिकल की भी बात करें तो 20 लाख बच्चे देते हैं, 22 लाख बच्चे देते हैं, 12 लाख बच्चे लेते हैं, लेकिन सीरियस उसमें से कितने लोग हैं जो बच्चों के पढ़ाई को लेकर सीरियस है और उनके सक्सेस को लेकर सीरियस है। तो उसको करने के लिए हमने बहुत सी चीज़ें की हैं। मतलब बच्चे जब भी आते हैं तो क्या देखते हैं, 3-4 चीज़ें देखते हैं, फैकल्टी कैसे हैं, रिजल्ट कैसा रहा है, जो पहले से जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने क्या फील किया है, कैसे किया है। तो हमने फैकल्टीज़ के ऊपर बहुत ध्यान किया है। हमारे जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो या तो IITs से हैं, NITs से हैं, या तो उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मतलब डॉक्टरेट की डिग्री की हुई है, या ग्रेजुएशन पोस्ट या PhD किया हुआ है, ऐसे टीचर्स हैं। और साथ ही साथ फिर बात करें बच्चों के ऊपर हम कैसे ध्यान देते हैं, तो बच्चे के ऊपर ध्यान ऐसे देते हैं कि हमने एक छोटा क्लासरूम रखा है। मतलब बड़े बड़े क्लासरूम तो सब बहुत बहुत सारे होते हैं कि जिसमें 100, 150, 200 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हमने 50 बच्चों का एक क्लासरूम रखा हुआ है। 50 बच्चों के क्लासरूम में क्या होता है कि वो टीचर्स के साथ तो पढ़ते ही हैं, तो टीचर्स के साथ उनका एक कनेक्ट बना रहता है हमेशा। बच्चों के डाउट्स क्लियर होते रहते हैं, बच्चे समझते हैं, जानते हैं कि कैसा चल रहा है। तीसरी बात, हमने जो हमारा टेस्ट प्लेटफॉर्म है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लेटफॉर्म है, वो एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है कि बच्चे जब टेस्ट दें, जब पढ़ें, उसके बाद उनको पता रहे कि कैसे प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए हैं, कहाँ पे वो मिस कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स मिस कर रहे हैं, ताकि अपनी तैयारी को हमेशा सुधारते रहें। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है बच्चों में कि डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, हमें जो डाउट्स आएंगे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, तो उसके लिए हम जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, सेम टीचर्स ही डाउट के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो हम अलग से एक सेट ऑफ टीचर्स नहीं रखते जो सिर्फ डाउट करेंगे, हमारे पास वही सेम टीचर्स हैं जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि बच्चों को कोई भी डाउट्स हैं तो उसको हम सॉल्व करें। सर